हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विज सात्विक्स मॉम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है मैंगो रोल कट मिठाई की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है ये मिठाई और बेहद कम इंग्रेडिएंट में बनके रेडी हो जाती है। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो मैंगो रोल कट मिठाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मिक्सी जार में चीनी डाली है आधा कप, साथ ही इसमें 2 इलायची डाल के इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, चीनी का पाउडर बना लेना है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें चीनी का पाउडर बना लेना है। अब इसके बाद मैंने इसी मिक्सी जार में 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, इसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है ताकि जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट है वो अच्छे से बारीक हो जाए। तो बस इस तरीके से मैंने इसे भी बिल्कुल अच्छे से बारीक कर लिया है। और अब मैंने एक बॉल लिया है, इसमें ट्रांसफर करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट का आधा पार्ट जिसे अभी हमने ग्राइंड किया था, आधा पार्ट हमें इसमें इसमें डाल देना है। तो बस ये मैंने आधा डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाल दिया है, साथ ही आधा कप मैंने मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है जो अभी हमने चीनी ग्राइंड की थी उसका आधा हिस्सा हमें इसमें डाल देना है, साथ ही इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे थोड़ा, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ ही हमें 1 से 2 चम्मच इसमें जो है दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो बना लेना है। तो बस इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स करते इसका डो बना लिया है। दूध हमें ज्यादा नहीं डालना है, 1 से 2 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 3 चम्मच इसमें दूध डलेगा। अब इसके बाद मैंने इस तरीके से बटर पेपर पे रख के इसका रोल बना लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसका रोल बना लेना है। अगर आपके हाथ में ये चिपके तो आप थोड़ा सा घी भी यूज कर सकते हैं हाथ में लगा के, इसे इस तरीके से हमें जो है रोल कर लेना है बटर पेपर में डाल के। तो बस मैंने इसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद अब मैंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रोल हमारा बन के रेडी है। इसी रोल को अब हमें वापस से बटर पेपर में लपेट देना है, रैप कर देना है और थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए जब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं मिठाई का। तो इसके लिए मैंने ये एक आम लिया है बड़े साइज का, और अब इस आम को कट करके मैंने इसके पल्प को निकाल लिया है। तो बस इस तरीके से हमें इसे पहले कट करना है, इसके बाद नाइफ से हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारा जो पल्प है मैंगो का उसे निकाल लिया है। तो बस सारा पल्प निकालने के बाद अब मैंने इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफर करके इसकी प्यूरी बना ली है। तो सारे मैंगो पल्प को हमें मिक्सी जार में ट्रांसफर करना है और इसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे, जिससे जो है इसकी मैंगो की हमारी जो है प्यूरी बन जाए, अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो बस इसे ढक के अब हमें ग्राइंड कर लेना है, मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए मैंगो में, इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो बस आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे अच्छे से जो है इसकी प्यूरी बना लेनी है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद अब मैंने इसे गैस पे रख के एक फ्राई पैन में डाला है, ये मैं नॉनस्टिक की फ्राई पैन यूज कर रही हूँ। इसमें डालने के साथ ही अब हम इसमें ऐड करना है अपनी ग्राइंड की हुई चीनी, बची हुई सारी चीनी डाल देंगे इसमें, साथ ही इसमें बचा हुआ सारा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हमें ऐड करना है आधा कप मिल्क पाउडर। तो बस अब इन इंग्रीडियंट्स को डालने के बाद अब हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है जब तक ये जो हमारा मिक्सचर है ये जो है वो पैन ना छोड़ने लगे। तो बस इस तरीके से कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। तो बस इसी तरीके से चलाते हुए आप देखेंगे बीच बीच में इस तरीके से पहले पतला हो जाएगा हमारा जो मिक्सचर है, इसके बाद इस तरीके से थिक होगा और इसके बाद ये जो है पैन छोड़ने लगेगा, इस तरीके से डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो बस इस तरीके से जब ये पैन छोड़ने लगे बस इस स्टेज पे अब हमें गैस से इसे हटा देना है और इसके बाद अब हमें इसे प्लेट पे ट्रांसफर करना है। प्लेट में ट्रांसफर करने के बाद अब हमें इसे थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया इसके बाद मैंने इस बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लिया है। इस बटर पेपर पर मैंने ये जो अपना मैंगो का मिक्सचर है उसे डो बना के इस तरीके से चपटा करके इस पे रख दिया है और अब हमें इसे बेल लेना है बेलन से। तो बस इस तरीके से हमें इसे बेलना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे बेल लेना है बटर पेपर पे। बेलने के बाद जो अभी हमने रोल फ्रिज में रखा था सेट होने के लिए उसे फ्रिज में से निकालेंगे और इस तरीके से हमें बटर पेपर में से निकाल लेना है। रोल हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस रोल को मैंने इस बेले हुए मैंगो के मिक्सचर के ऊपर रख दिया है। इस तरीके से रखने के बाद अब हमें इसे रोल कर देना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बटर पेपर को उठाते हुए इसे रोल करना है ताकि हमारे हाथ में चिपके ना।
तो बस इस तरीके से मैंने इसे बटर पेपर में फिर वापस से पूरे मिक्सचर को रोल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे रोल कर देना है। तो बस रोल करने के बाद मैंने वापस से बटर पेपर से इसे रैप कर दिया है इस तरीके से। अच्छे से टाइट से रैप कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे इसे सेट होने के लिए 1 घंटे। तो बस जब 1 घंटे सेट हो जाए फ्रिज में, इसके बाद हमें इसे फ्रिज से निकालना है। तो बस फ्रिज से निकालने के बाद इसे हमें बटर पेपर से निकालना है इस तरीके से। तो बस इसे निकालने के बाद आप देखोगे कि ये जो हमारी मिठाई है, जो हमारा रोल है, वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो बस इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है बटर पेपर से। निकालने के बाद अब हमें इसे पीसेस में कट करना है। तो बस नाइफ से मैंने इस तरीके से इसे कट किया है। तो बस आप देखेंगे ये जो हमारी मिठाई है वो बिल्कुल बन के रेडी है और दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बस इसी तरीके से हमें अपनी सारी मिठाई के पीसेस को कट कर लेना है इस तरीके से नाइफ से। तो बस कट करेंगे इस तरीके से सारे रोल को। कट करने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही सिंपल ही मैंगो रोल कट मिठाई, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए कट करने के बाद अब हमें इसे करना है एक प्लेट में सर्व। तो आपने देखा बहुत ही कम दूध, सिर्फ 2 से 3 चम्मच दूध में बनके रेडी होगी हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई। ज्यादा दूध भी नहीं लगा है इसमें, तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो अगर आपको सिंपल सी मिठाई की रेसिपी पसंद आए एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी रेसिपीज को प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें।